बचा लो। फाइनली बेबी यहाँ पे आके चाय देखे टेम्परेचर क्या चाहेगा। टांगे टूट गई, नई लगवा दो। ऑर्डर करता हूँ अमेज़न से। हेलो गाइस, सो हमारा सेकंड डे का एडवेंचर शुरू हो गया है। कल हम इतने ज्यादा थक गए थे कि आज हम बहुत ही लेट हो चुके हैं। हमने सोचा था कि हम 7:30-8 बजे वहाँ पे पहुँच जाएंगे और अभी हम 10:30 बजे तक वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और ये पीछे से मेरा भाई झांक रहा है, तेरी वजह से लेट हुए हम आज का दिन। हाँ, तूने मेरे को भगाया वहाँ बीच पे। और आपको थोड़ा यहाँ का व्यू दिखाते हैं। बड़ा ही अच्छा हाईवे है, नेशनल इट्स अ नॉर्थ वेल्स एक्सप्रेसवे। तो हमने गाड़ी जो है वो पार्क कर दी है स्नोडोनिया माउंटेन रेलवे के बिल्कुल साथ में है लैनबेरिस कार पार्क। सामने। वो सामने है माउंटेन रेलवे जो कि अभी बंद पड़ी है 14 मई तक। आई थिंक 14 मई से स्टार्ट है। तो हम यहाँ से वॉक करके जाने वाले हैं। लैनबेरिस पाथ लेना है हमने जो कि सबसे ईजिएस्ट पाथ है। सो बेसिकली ये माउंटेन रेलवे की एंट्रेंस है। अगर आपको ट्रेन वगैरह लेनी हो जो कि 14 मई से है तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ट्रेन खड़ी भी हुई है। ये एक ट्रेन खड़ी हुई है। तो ये ट्रेन जो है वो पूरी टॉप तक जाती है। तो माउंटेन रेलवे से थोड़ा सा आगे जाके आपको राइट लेना है। यहाँ से एक पाथ है जो कि लैनबेरिस पाथ है विच इज़ द ईजिएस्ट एंड द बिजिएस्ट पाथ। ये टिपिकल ओल्ड स्टाइल हाउसेस के डिज़ाइन है, ट्रेडिशनल हाउसेस। तो अभी हम वेल्स में है, अभी हम इंग्लैंड में नहीं है। और यहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट है। ये टॉप है और हमने स्टार्ट किया है यहाँ से। एक्सरसाइज करते हुए जा रही है। बेबी आते आते ना आपका कम से कम नहीं तो 5-10 किलो कम हो जाएगा। नहीं हुआ ना इससे। Thanks for telling us we can go back. Oh, this is the hardest one. So we have done the hardest one, now the easy one. See you later. I don't think it's easy. चलो थोड़े सैंडविचेस खाते हैं। You just kept on saying Lanberry's path. ओ ते ऐथे लिखिया। ऐथे लिखिया? हाँ। तो भाई ये है लैनबेरिस पाथ जो कि यहाँ से जा रहा है ऊपर। और अभी वो क्या बता रहे थे कि ऊपर जाके बहुत सारी भीड़ है। स्टेप्स है और भीड़ भी है। और मैं तो कह रही रहने ही दो। इतना तो फिर रहने दो फिर। रहने दो। सर जी पता नहीं कहाँ चले गए, अकेले जाओगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आप यहाँ पे आते हो कुछ खाने का लेके आते हो तो अपने साथ जो है पूरा ट्रैश लेके जाओ। यहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं है। और जस्ट मेक श्योर के आप रिस्पॉन्सिबल बनो अपना जो ट्रैश है वो वापस ले जाने के लिए। वो कहेंगे यहाँ तुम्हारा, यहाँ से लेके कौन जाएगा तुम्हारा कूड़ा। यहाँ ऊपर कोई नहीं आने वाला कूड़ा ले जाने के लिए। और जितना साफ रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। तो ट्रैश बैग जो है अपने साथ लेके आओ और बैग में इतनी जगह बना के रखो कि ट्रैश जो है वो आ जाए। ठीक है बेबी, पीछे व्यू इतना सही है ना, मैं बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। देखो वहाँ पे बच्चे चल रहे हैं ऊपर, वो देखो छोटे छोटे बच्चे। सैंडविचेस इतने सही लग रहे हैं ना। ये इसमें लेटस, लेटस है, स्पाइसी चीज है और कोल्सलो है। हाँ भाई तगड़े, ये तो बोलेगा तगड़े है। कैसे है? चुरा लेता हूँ सेक्सी। आधे रास्ते पहुंचने वाले हैं। वो पीछे अगर आपको दिख रहा हो, इसमें वैसे दिख नहीं रहा, ये यहाँ पे एक कैफे है, वो आधे रास्ते का पॉइंट है। और लोग जो है थक चुके हैं, थके हारे बैठे हैं यहाँ पर। इतना लंबा अभी पाथ है, मैंने बहुत ज्यादा कवर किया है। और अब ये देख लो रोडी वाला पाथ है सारा। हमने वहाँ पे जब सैंडविचेस खाए थे जहाँ से ये पाथ शुरू होना था, अब तो हम काफी आगे आ गए।
मतलब ये इतना स्टीप, स्टार्टिंग में स्टीप है और फिर कैफे तक आधे रास्ते तक ठीक है, फिर आधे रास्ते के बाद दोबारा से स्टीप चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो हम सोच रहे हैं कि भाई आधे रास्ते तक ही जाते हैं, फालतू ज्यादा ऊपर नहीं जाते, और अभी वापस भी जाना है और यहाँ पे हवा भी बड़ी तेज चल रही है, आवाज में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। यहाँ से सारी की सारी पीक्स दिख रही है स्नोडन की, और स्नोडन वो है सामने, वो वाला स्नोडन है। और ये साथ साथ यहाँ पर साथ साथ जो है ये ट्रेन की पटरी भी है जो यहाँ तक जा रही है पूरी ऊपर तक, और माउंटेन रेलवे जिसको लेनी होती है वो ये लेता है, अभी तो बंद पड़ी है जैसे मैंने आपको बताया था। सो ये ट्रेन का ट्रैक है, इसके नीचे से पाथ जा रहा है, हाफ वे होने वाला है पूरा, और हम हाफ वे तक ही जाने वाले हैं इस बार। बेबी क्या खा रहे हो, मेरे को भी दे दो। I'm taking a KitKat break. KitKat break. थोड़ी सी खिला दो मेरे को भी। मेरे हिस्से की नहीं है इसमें, ये ना किटकैट चंकी है, एक स्टिक इतनी मोटी है। ओ भाई साहब, जितनी कैलोरीज बर्न नहीं हुई उससे ज्यादा तो खा ली है। अरे हमने पतला होके थोड़ी जाना है, बराबर तो जाए एटलीस्ट। खिलाओ यहाँ से, खिलाओ यहाँ से, खा लो। फाइनली भाई, फाइनली कैफे तक हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, और ये हाफ वे है, और देख सकते हो कहाँ से हम वहां से चले थे, वहाँ पे पानी है वहाँ से चले थे हम, पूरा ऐसे घूम घूम के ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ तक आए हैं, बहुत थक गए। आ गई हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं बीच में कहीं से वापस इनको बोलूंगी चलो चलो। वैसे एक बात तो है, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यार, अब यहाँ तक चल के आ गए हो, और ये है कैफे पीछे, अभी चलते हैं यहाँ पे कॉफी शॉफी पीते हैं। वैसे तो मैं चाय लेके आया हूँ जो कि अभी तक गर्म है, मैंने अभी टेस्ट की थी, सो मैं पीऊंगा चाय। तो इस कैफे के अंदर एंट्री अभी अलाउड नहीं है, सिर्फ यहाँ बाहर से आप मेन्यू लगा हुआ है आप ले सकते हो। मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि आपको रेट दिखा दूँ, जस्ट फॉर द आइडिया कि यहाँ पे क्या कितने का मिलता है। फाइनली बेबी यहाँ पे आके चाय, देखे टेम्परेचर क्या चाहेगा। चाय छोड़ो, आप पहाड़ देखो, 61 डिग्री दिखा रहा है चाय का टेम्परेचर, तो अभी भी गर्म है काफी। हम अपनी इंडिया के पहाड़ों वाली फील ले रहे हैं, चाय भी है हमारे पास, मैगी भी है, मैगी भी है। यहाँ पे तो कैफे में कुछ भी खास नहीं है यार, कॉफी है, कॉफी क्या लूं मैं, चाय जब है ही है। खाना वाना खा के यहाँ पे सारे लेट गए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ये इंजॉय है पहाड़ों पे। ऊपर भाई हवा बहुत तेज थी, तो अब थोड़ा नीचे आ गए हैं हम सिर्फ कैफे तक गए थे, कैफे तक हाफ वे था, तो उसके बाद हम फिर से नीचे आ गए, वहाँ पे एक आध घंटा हम बैठ गए थे आराम से, और अब कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे नीचे जाते जाते, 1.5-2 घंटे तो है ही। तो फिर आपको कैसा लगा पहाड़ चढ़ के स्नोडन है बेबी? दोबारा आओगे? क्यों वापस आ रहे हैं अब ट्रैक पे, और वापस आने का क्या रास्ता है, ऐसा लग रहा है अपने आप ही चलते जा रहे हैं। पीछे से हवा आ रही है थोड़ी बहुत, तो आगे धक्का दे लिया, तो इजी हो गया बहुत ज्यादा, और साथ में चल रहा है अपना ट्रेन का ट्रैक। वन टाइम तो बनता है भाई। हम लोग हाफ वे गए थे कैफे तक, अगर आपसे होता है तो आप समिट तक जाना, समिट पे भी एक कैफे है, और वो वहां से व्यूज और भी तगड़े हैं। वापसी में हमें एक घर दिखा है, कितने क्यूट इन्होंने गार्डन में रखे हुए हैं चीजें। गांधी जी के बंदर भी
लोगों ने कितने अच्छे अच्छे गार्डन से बना रखे हैं। ये प्लांट कितना सुंदर है रोज का। सो बेबी फाइनली वी मेड इट। हम पूरे समिट तक नहीं गए लेकिन हाफ वे गए थे, और हाफ वे में भी हमने स्टार्ट किया था 11:30 और अभी 5:30 पौने छह हो गए। 11 बजे स्टार्ट किया था तो 6-6.5 घंटे लग गए हमें। धीरे धीरे चलते चलते आते टाइम इतना टाइम नहीं लगा, कहीं रुके नहीं, जाते टाइम काफी जगह रुके थे। आते टाइम मैंने टाइम देखा है, हाँ। पूरा 1.5 घंटा लगा है। 1.5 घंटा लगा है। और बाकी टाइम जाते टाइम। हाँ। तो अगर आप लोग आओ तो मेक श्योर आपके पास इनफ पानी हो, खाने पीने का सामान हो। ऊपर कैफे है बट मुझे लग रहा था वो क्लोज्ड होगा, बट खुला हुआ था। सिर्फ टेक अवे था और वहाँ पे भी कुछ ज्यादा था नहीं, सिर्फ बेसिक चाय कॉफी केक ऐसे था। सैंडविच वगैरह भी कुछ नहीं था, बस ऐसी नॉर्मल चीजें थी और आइसक्रीम थी, हमने देखा था लोग खा रहे थे। तो वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ के वेल्स के नज़ारे अच्छे लगे होंगे। अभी हम आगे भी और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे और भी जगह घूमने जाएंगे और आपको दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।